नमस्कार साथियों, न्यूज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन वह अंदर ही अंदर टूट रहे होते हैं, बिखर रहे होते हैं। यही हाल दुनिया की अर्थव्यवस्था का है। कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कान है, ऊपर ऊपर देखा जाए तो वह चमक दमक वाली दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट रही है, चरमरा रही है। IMF की हालिया रिपोर्ट आई है, वह भी यही बताती है कि आने वाला समय अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत खतरनाक होने वाला है। तो इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी और आर्थिक पत्रकार अनिंदो चक्रवर्ती। तो सर, जो IMF ने अभी रिपोर्ट प्रकाशित की है और वहाँ पर वो कह रही है कि आने वाला समय बहुत खतरनाक होने वाला है, मंदी आने वाली है अगले साल में, पूरी दुनिया के तकरीबन एक तिहाई हिस्से में, भारत में भी ये कहा जा रहा है, तो वो इसके कहने के पीछे कारण क्या है और IMF क्या बताती है इसको ठीक करने के लिए? एक तो मैं एक चीज कह दूं कि IMF का कहना है कि भारत शायद दूसरे देशों की तुलना में बेटर स्थिति में है, और इसका कारण शायद IMF का ये है, वो मैं बाद में जाऊंगा। शायद इसलिए कि भारत दूसरे देशों की तुलना में उसी रास्ते पर रही है जिसपे IMF चाहती है, ठीक है, तो इसलिए IMF कह रही है। लेकिन IMF का जो एक आप कह सकते हैं रिसेशन का, जो मंदी का जो भय दिखा रही है IMF कि अभी आने वाला है, आने वाला है, आप लोग कुछ कीजिए, सरकारें अपनी नीतियां बदलें, क्यों कह रही है? क्योंकि आपको याद होगा कोविड के वक्त क्या हुआ था, सारे सरकारों ने अपने जो अपने अपने देशों में जिसको फिस्कल स्टिमुलस कहा गया था, यानी सरकार ने खर्चा किया, लोगों तक पैसा पहुंचाया, हमारे देश में भी अनाज वगैरह पहुंचाया गया, अमेरिका में जो बिजनेस है उनको इस तरीके का एक सब्सिडी दिया गया कि आप अगर लोगों को नौकरी पर रखेंगे, उनको नहीं निकालेंगे, तो एक पार्ट उसका हम भरेंगे, उसका आपका जो खर्चा है वो हम भरेंगे। टैक्स इंसेंटिव बहुत सारे देशों में दिया गया है, बहुत जगह पे जिसको मासिक भत्ता कहा जाता है वो बढ़ाकर दिया गया था बहुत सारे देशों में। लेकिन IMF ऐसी जो पॉलिसीज होती है, ऐसी नीतियों से कभी भी खुश नहीं होती है। IMF का जो लाइन रहा है हर वक्त, वो जिसको हम नियो लिबरल लाइन कहते हैं, यानी उसका चार पांच पहलू होते हैं। पहला पहलू होता है कि आप जो सरकारें हैं खर्चा कम कीजिए, सब्सिडी कम दीजिए, जो फ्री मार्केट है, जो बाजार है, बाजार तंत्र को खुले में छूट दीजिए काम करने को, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दीजिए, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा दीजिए, कोई भी जो इंपोर्ट है या एक्सपोर्ट है उसको रोकिए मत, है ना, और इंटरेस्ट रेट को इस तरीके से आप ऊपर नीचे कीजिए ताकि जो महंगाई दर है वो कम रहे। ये IMF की पॉलिसीज रही है, और IMF का कहना है कि इस वक्त बहुत सारे देश इस पॉलिसी से हट गए हैं क्योंकि कोविड के चलते उन्होंने खर्चा ज्यादा किया है, लोगों पर खर्चा ज्यादा किया है, इससे उनको निकलना पड़ेगा, अगर वो नहीं निकलेंगे तो मंदी आएगी। तो आपको क्या लगता है कि जो उन्होंने कदम सुझाए हैं इसको ठीक करने के लिए, उन कदमों के बारे में थोड़ा बताइए कि वो ठीक है या गलत है? देखिए, यही सबसे मजेदार बात है। मेरा सवाल दर्शकों से है और आपसे भी है कि आप सोचिए कि अगले साल आपकी सैलरी 15% बढ़ गई, ठीक है, और 15% बढ़ने से आप खुश हैं, और आपका जो महंगाई दर भी बढ़ रहा है आसपास 10% बढ़ गया, ठीक है, लेकिन आपके पास तो फिर भी 5% का फायदा हो रहा है ना, है कि नहीं, 5% का फायदा है आपका। तो दूसरी तरफ अगर महंगाई दर 2% बढ़े कि बहुत कम महंगाई बढ़ रहा है, लेकिन आपकी सैलरी 5% घट जाए तो आपका इससे नुकसान है। यानी महंगाई अपने आप में कुछ नहीं होता है, महंगाई आय के तुलना में कितना है उसी से हमें पता चलता है महंगाई क्या हो रहा है या नहीं कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि जैसे दिखाया गया है कि अमेरिका में जो महंगाई दर 45 साल में सबसे ज्यादा ऊंचे स्तर पर गई थी, उसका 60% कॉरपोरेट प्रॉफिट से बढ़ा है, यानी प्रॉफिट बढ़ा है और ये प्रॉफिट को कॉरपोरेट ने ट्रांसफर कर दिया कंज्यूमर को। एक की चीजें आने रही है, चाइना चीन से चीजें नहीं आ रही है, यूक्रेन से नहीं आ रहा है, रशिया से नहीं आ रहा है, देखिए इतना सारा कमी है दुनिया भर में, इसलिए दाम बढ़े। कमी का जो नुकसान है उसकी भरपाई सारा जो कंज्यूमर है उसने किया है, कॉरपोरेट ने सिर्फ फायदा लिया है उसका।
आईएमएफ ये नहीं कहती है, इनफैक्ट आईएमएफ का अगर आप पढ़े रिपोर्ट, उसमें कहा गया है कि प्राइस कंट्रोल, यानी अगर आप जो दाम है अगर सरकार उस पर कंट्रोल लगाए तो इससे बुरा असर होता है, ये अच्छी बात नहीं है, प्राइस कंट्रोल नहीं करना चाहिए, इससे ब्लैक मार्केट बढ़ता है, इससे ये सब होता है और इससे और भी बुरा असर बाद में होता है, इससे कुछ देखा गया है? नहीं होता है। ठीक है, तो क्या कह रही कि आईएमएफ के अगर कोई सरकार कहे कि देखिए आप लोग बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, इसलिए आपका जो प्राइस है, अगर आपने 100 को 200 कर दिया, हम 200 नहीं होने देंगे, हम इसको 150 पे रोक देते, आपका अभी भी मुनाफा है लेकिन पहले जो मुनाफा था उतना ही, उससे ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे इस पर। तो आईएमएफ का कहना है ये बुरा है, क्यों? क्योंकि इससे कॉरपोरेट का नुकसान होता है। आईएमएफ सारा कॉरपोरेट और फाइनेंस सेक्टर का गेम खेलती है, 1944 से जब से ये आई है ये वेस्टर्न पावर का गेम खेलती रहती है, और वेस्टर्न पावर को कौन कंट्रोल करता है उनके देश में? उनके कॉरपोरेट, उनके फाइनेंस कैपिटल, उनके बैंक। तो आपने तो मतलब ये बताया, थोड़ा सा आप इसको और खोल के बताइए, जो मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे बार बार कहा जाता है कि महंगाई से बचने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो क्या ऐसे कदम आईएमएफ कह रही है और इसका असर क्या पड़ता है? देखिए ये आईएमएफ भी कह रही है कि जो सेंट्रल बैंक, जिसको जैसे हमारे देश में रिजर्व बैंक है, जो इंटरेस्ट रेट को मोरलेस कंट्रोल करती है किसी भी देश में, हाँ, आईएमएफ का कहना है कि सेंट्रल बैंक को, जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया या बैंक को कहा कि इतना पैसा आपको साथ में रखना पड़ेगा, इसको आप लोन नहीं दे सकते हैं, इससे क्या है, मनी सप्लाई कम हो जाता है, मनी सप्लाई कम हो जाता है तो दाम बढ़ते हैं चीजों के, हाँ, तो सॉरी मनी सप्लाई कम हो जाता है तो दाम घटते हैं, लोगों का डिमांड कम हो चीजों का, हाँ, तो आईएमएफ का कहना है कि डिमांड को रोकना जरूरी है, इस वक्त डिमांड को रोकना जरूरी है, और उसी में इंसेंटिव, जो प्रोड्यूसर है उसको भी इंसेंटिव मिलना चाहिए, उसको भी लगना चाहिए कि मैं कुछ बनाऊं, ठीक है, और आईएमएफ कहती है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी को अलाउ करना चाहिए, सेंट्रल बैंक अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो ये जरूरी है, और सरकारों को अपना जो खर्चा है उससे उसका उल्टा नहीं करना चाहिए, अगर तो खर्चा कम करना चाहिए, खर्चा कम कीजिए, वो बोल रहे हैं कि सब्सिडी काट दीजिए, सब्सिडी बंद कर दीजिए, अगर बहुत जरूरी है तो कुछ देर के लिए रखिए, और टारगेटेड कीजिए कि जिसको जरूरी है, अब कौन तय करेगा किसको जरूरी है, हर एक सरकार तय करती है और हमें पता है किस तरीके से तय करती है। महंगाई रोकने के और भी तरीके हैं जो कि 1990 से पहले सभी सरकारें यूज करती थी, और अमेरिका में भी 1980 से पहले यूज किया गया, जिसको कहते हैं पाइप प्राइस कंट्रोल, जैसे हमारे देश में बीच बीच में होता है, होता रहता है कि जैसे किस चीजें बहुत दाम बढ़ जाते तो उसका रेशनिंग होता है, या एक्सपोर्ट बंद कर दिया जाता है, तो प्राइस कंट्रोल एक तरीका है कि आपने कह दिया कि इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। दूसरी बात है, अगर आपको इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाया जाता है, इंटरेस्ट रेट इसलिए बढ़ाया जाता है, कहा जाता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो जो कॉरपोरेट है वो कम लोन लेगा, अब वो कम लोन लेगा तो वो कम चीजें बनाएगा, कम चीजें बनाएगा और यानी वो जो चीजें खरीद रहा है, रॉ मटेरियल खरीद रहा है, कच्चा माल खरीद रहा है, उसका डिमांड घट जाएगा, उसका डिमांड घट जाएगा तो क्या होगा, उसके दाम घटेंगे। दूसरी बात है, कम लोन मिलेंगे तो जो आम परिवारें हैं जो पर्सनल लोन लेते हैं, चाहे वो कार लोन हो, हाउसिंग लोन हो, या कभी कभी होता है कि आप एक चीज को खरीदते हैं और आपके इंटरनेट पे आ जाता है, इसको आप ईएमआई में बदल सकते हैं, इंटरेस्ट फ्री ईएमआई में बदल सकते हैं, तो अगर इंटरेस्ट कम हो तो बैंक ईएमआई इंटरेस्ट फ्री दे देता है, अपना जो डिस्काउंट है वो आपको पास ऑन कर देता है, लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट हो तो वो इंटरेस्ट फ्री नहीं हुआ, तो क्या होता है कि आप जी जो चीज उधार पे या क्रेडिट से खरीदते हैं वो उसका भी डिमांड कम हो जाता है, और जब डिमांड कम हो जाता है तो इन्फ्लेशन घटता है, यानी दाम घटने लगते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, इससे होता है कि प्रोडक्शन कम हो जाता है, चीजों की खरीद कम हो जाती है, चीजों की खरीद कम होती तो क्या होता है, क्या कॉरपोरेट अपना प्रॉफिट कम कर देता है? नहीं, वो सबसे पहले क्या करता है, जो काम करता है उसकी छटाई करता है, और जिसको रखता है उसको बोलता है देखो भाई तुमको काम में रहना पड़ेगा तो 10% तुम्हारा कम सैलरी कम, क्योंकि देखो अभी मार्केट बहुत खराब है, मार्केट खराब है, तुमको मैं निकाल दूं तो कहीं नहीं नौकरी मिलेगी, तुम काम करना चाहते हो तो ये 10% सैलरी कम, जो वेतन लेते हैं उनको अगर
300 रुपए देते थे दिन का, तो 250 देते। तो यही होता है कि सबसे पहले जो गरीब है, जो कामगार लोग हैं, जो वर्किंग क्लास लोग हैं, उन पर बोझ पड़ता है जब भी इंटरेस्ट रेट के रूट से इसको किया जाता है। लेकिन जब इन्फ्लेशन, जब प्राइस कंट्रोल होता है, तब क्या होता है, प्राइस कंट्रोल हो तो प्रॉफिट घटाना पड़ता है। सबसे पहले प्रॉफिट को घटाना पड़ता है, और जो प्राय कम दाम में चीज खरीदने वाले लोग हैं उनको खरीदना पड़ता है। अगर ये भी हो कि सरकार बोले ठीक है हम कॉर्पोरेट जो एम्प्लॉय करते हैं उनको कुछ सब्सिडी देंगे, तो फिर नौकरियां नहीं जाएंगी। बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा दाम बढ़ गए चीजों के, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोन जा रहा है, तो इस सेक्टर को लोन कम कर दीजिए। ये भी होता है कि आप जो क्रेडिट कंट्रोल है सेक्टर वाइज उसको रोक सकते हैं। आपको ओवरऑल एक एक जिसको अंग्रेजी में ब्लंट इंस्ट्रूमेंट होता है कि एक आपने हथौड़ा लिया, हथौड़े से पूरे इकोनॉमी को मार। एक और है, कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम छटनी कर रहे हैं तो एक हद तक ही छटनी कर सकते हैं, उसके बाद अगर महंगाई का असर और खरीदारी नहीं हो पा रही है तब तो कंपनी पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। और बहुत सारे लोग ये सवाल कहते हैं, एक मोटा सा सवाल कहते हैं कि ये धारणा है कि आम लोगों पर महंगाई का असर पड़ता है, क्या इसी की तरह जो छोटे कारोबारी हैं उन पर महंगाई का असर पड़ता है कि नहीं? बड़े कारोबारियों के पास तो बहुत मजबूत बैलेंस शीट होती है, लेकिन जो छोटे कारोबारी हैं उन पर क्या असर पड़ता है, इसको थोड़ा देखिए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि असर तो महंगाई दो दो तरफा, एक आप दो धार वाला तलवार है। जैसे अगर आप कुछ बना रहे हैं उसमें आप जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं उसका दाम बढ़ा है, लेकिन जब आप बेचते हैं उसका भी तो दाम बढ़ता है ना। ठीक बात। तो जब आप बेचते हैं उस पर भी तो ज्यादा पैसा आपको मिलता है। तो यही है कि किसको कितना पैसा मिल रहा है, कौन कितना मुनाफा कमा सकता है। हाँ, इन्फ्लेशन ज्यादा हो तो बहुत सम टाइम पे क्या होता है कि जो छोटा कारोबारी है वो पिट जाता, वो इतने दाम, क्योंकि बिजनेस में एक साइकिल होता है। जैसे आज आप कोई चीज, आप कोई चीज बना रहे हैं, आप कोई शर्ट बनाते हैं आपके कारखाने में, तो आपको पहले फैब्रिक खरीदना पड़ता है, आपको सिलाई मशीन खरीदना पड़ेगा, आपको धागे खरीदने पड़ेंगे, आपको बटन खरीदना पड़ेगा, आपको वेतन टेलर मास्टर को सबको लेकर आपको बैठना पड़ेगा, वो पहले खर्चा है। शर्ट ग्लास जो होते हैं, ये प्लेटें जो बनती हैं, इन सारी सब कुछ, किसी भी चीज में आपको पहले पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, और फिर जब वो प्रोडक्ट बन जाता है, उत्पादन बनता है, उत्पादन होता है, उसको आप बेच के आपको पैसा वापस मिलता है, और वो ज्यादा में बेचते इसलिए आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है। लेकिन पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो जब दाम बढ़ जाते हैं चीजों के, तो जो छोटे कारोबारी हैं उनको और भी दिक्कत होता है चीजों को खरीदने में। और कोई भी कारोबार हो, छोटे से छोटा कारोबार हो, वो लोन पे चलता है। चाहे आपका सब्जी वाला हो, बीच में आपको बोल देगा कि अजय भाई मुझे आप 1000 रुपए उधार दे दीजिए, क्यों, क्योंकि मंडी से सब्जी लाना अभी थोड़ा कम पड़ रहा है। बिल्कुल। हाँ, सभी उधार पे चलते हैं, उधार लेते हैं, काम करते हैं, बेचते और लोन वापस देते हैं। इसको हम ऑपरेशन में, इसको एक वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। इसकी जरूरत है, सबसे बड़े कारखाने को भी, कंपनी को भी जरूरत है, छोटे वाले को भी जरूरत है। जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ता है उतना वर्किंग कैपिटल का कॉस्ट बढ़ जाता है, फाइनेंसिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, और उसी के साथ अगर इन्फ्लेशन भी हो तो आप सोच लीजिए छोटे कारोबारी पर क्या असर है। इसलिए छोटे कारोबारी पर डबल असर पड़ता है। इन्फ्लेशन तो बाद में खत्म होगा, पहले जो छोटे कारोबारी है वो क्रेडिट नहीं ले पाएगा, लोन नहीं ले पाएगा, उस पर सबसे ज्यादा असर इंटरेस्ट रेट का होता है, ना कि इन्फ्लेशन का। अब थोड़ा ये बताइए कि आपने बताया प्राइस कंट्रोल जैसी भी नीति होती है जिसको अपनाना चाहिए, लेकिन क्या वजह है कि इंटरेस्ट रेट हाइक करके बार बार महंगाई को कंट्रोल करने की सिफारिश IMF करती है? बहुत अच्छा सवाल है अजय, क्योंकि यही सवाल है, क्योंकि हम जब जिसको हम पूंजीवाद कहते हैं, कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म का जो एक, जिसको हम कह सकते हैं ड्राइविंग फोर्स, जिसका जो इसका मोटर है एक्युमुलेशन प्रॉफिट और या वेल्थ को अपने पास लाना, एक इकट्ठा करना, संपत्ति को इकट्ठा करना, एक्युमुलेशन जिसको कहते हैं। अब जितना आप लोगों को काम पे लगाओगे उतना ही ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा, उतना ही ज्यादा आप एक्युमुलेट कर पाओगे।
क्योंकि आखिरकार जो कामगार है, जो वर्किंग क्लास है, वही चीजें उत्पादन करते हैं ना। वो नहीं करेंगे तो आपका प्रॉफिट कहां से होगा? प्रॉफिट उसी बिल्कुल से होता है। हाँ, तो अजीब बात है, फिर भी ये कैसे हो गया कि सरकारें इन्फ्लेशन नहीं चाहती, या कैपिटलिज्म कैपिटलिस्ट अब इन्फ्लेशन के खिलाफ हो गए? क्योंकि अब मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन से हटकर सारा पैसा स्टॉक मार्केट, फाइनेंस इधर चला गया, रियल वित्तीय एस्टेट पूंजी में चला बाजार में। गया, बिल्कुल वित्तीय पूंजी बाजार में चला गया। और जो जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या डायरेक्ट सर्विस सेक्टर जो यूटिलाइज करते हैं हम, उससे फाइनेंस सेक्टर थोड़ा अलग है, गैप में चलता है, ये नहीं पूरा अलग है लेकिन गैप में चलता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे सारा का सारा पैसा, अगर आप जैसे आप, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि आपने बैंक में लगा दिया पैसा और आपको 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर इन्फ्लेशन 10% हो गया तो आपका एक्चुअली रिटर्न नेगेटिव हो गया, 2% नेगेटिव है। इसलिए आप चाहेंगे कि इन्फ्लेशन को कम करो भैया, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओ, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, है कि नहीं? क्योंकि जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसका असल वैल्यू इन्फ्लेशन खा जाता है, इसलिए वो चाहते कि इन्फ्लेशन को बिल्कुल कम रखो। जितना कम रखोगे उतना फाइनेंशियल एसेट का वैल्यू बढ़ता है। और दूसरी बात यह है कि इन्फ्लेशन किसी देश में बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका करेंसी डिवैल्यू होता रहता है। जैसे आज आप डॉलर लेकर भारत में, अगर आपने सोच लीजिए 2008 में या 2007 में आपने भारत में 100 डॉलर लगाए थे, हम 100 डॉलर मतलब होता 4,000 रुपए, ठीक है, उस वक्त 4,200 रुपए, मैं 4,000 कह रहा हूँ रफली, क्योंकि एक टाइम पे 48 पे भी उतर गया था डॉलर, ठीक है, 4,000। आज के डेट पे वो 8,000 रुपए हो गए। अब आप बिल्कुल सोचिए कि इन 14 सालों में आपने अपना पैसा डबल कर लिया, भारत 4,000 को लगा के वो 8,000 कर लिया, अब आप वापस ले जाना चाहते हैं अमेरिका में, आपको कितने डॉलर मिलेंगे अजय, कैलकुलेट कीजिए, आपको 96 डॉलर मिलेंगे, हाँ क्योंकि आप 83 हो गया डॉलर, है ना, हाँ यानी आपने भारत में डबल किया, लेकिन जब आप वापस ले जा रहे हैं आप कम ले जा रहे हैं, आप 3% कम ले जा रहे हैं, है ना। इसीलिए इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल के लिए बहुत जरूरी है कि जहां पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे इन्फ्लेशन कम रहे, ताकि उनका जो करेंसी लॉस है वो उतना ज्यादा ना हो, कि उनका रिटर्न करेंसी लॉस से ज्यादा हो, ये सबसे जरूरी है। जब इन्फ्लेशन होता है तो करेंसी वीक हो जाता है और वो पैसा निकालने में उनका क्षति हो, उनके लिए हानि होती। नुकसान होता है। बड़ा अच्छा, ये फाइनेंशियल कैपिटल को मैं हमेशा कहता हूँ कि पैसे से पैसे बनाने का जुगाड़, जिनके पास पैसा होता है वो पैसे से पैसे बनाने का एक खेल खेलते रहते हैं। आपसे अंतिम सवाल, आपको क्या लगता है कि महंगाई किसी अर्थव्यवस्था के लिए बुरी होती है ज़्यादा या मंदी? देखिए, मंदी ज्यादा बुरी होती है क्योंकि मंदी से नौकरियां नहीं रहती। आज अगर आपके हाथ में महीने में 50,000 रुपए आ रहे हैं और महंगाई बढ़ गई और आपको मुश्किल हो रहा है, ठीक है, लेकिन महंगाई रोकने के लिए आपकी नौकरी चली गई और आपके हाथ में एक पैसा भी नहीं है, तो आप करेंगे क्या, बिल्कुल है ना। तो ज्यादा जरूरी है आय, इनकम, ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, लोगों तक डिस्ट्रीब्यूशन। महंगाई रोकने के बहुत तरीके हैं, और महंगाई रोकने के जो जिन पर भार पड़ता है महंगाई का, उन तक सस्ते में चीजें पहुंचाने के भी तरीके हैं, वो इंटरेस्ट रेट नहीं है, इंटरेस्ट रेट सिर्फ फाइनेंस कैपिटल का खेल है। शुक्रिया, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर महंगाई से ज़्यादा आय बढ़ती रहे तब महंगाई का कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि हमारी पत्रकारिता में वजन है, हम लोगों की बात करते हैं, तो यह तभी वजनदार रह पाएगी जब आपका आर्थिक मदद मिलेगा। तो आप हमें आर्थिक मदद भी देते रहा कीजिए, आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वेबसाइट पर जाकर हमारी खबरों को पढ़िए, हमारे Facebook पेज और Twitter पेज को लाइक कीजिए। शुक्रिया, आप देखते रहिए न्यूज़ क्लिक।